ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये प्रिथला विधानसभा के गांव चंदावली की है, जहां प्रिथला विधायक नयनपाल रावत ने लोगों के बीच पहुंचकर बातचीत की और लोगों से अपील भी की और उनकी समस्याओं को भी सुना। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए प्रिथला की जनता से स्थानीय विधायक नयनपाल रावत ने खास अपील भी की। मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ, क्योंकि 2 साल के कार्यकाल में जब मैं चुनाव इन्होंने जिताया तो उसके बाद मैं इनको ना धन्यवाद कर पाया ना मैं इनको कोई भोजन दे पाया हूँ। तो मैंने 27 तारीख का निमंत्रण देने के लिए और उसकी व्यवस्था के लिए ये सारी सरदारी बुलाई है। 27 तारीख को एक बहुत बड़ा मैं एक समाज इकट्ठा करके 36 बरादरी के लोगों को पहले परमात्मा का नाम हम शनिवार को 26 तारीख को लेंगे और 27 को परमात्मा का नाम लेकर इस परमात्मा रूपी जनता को मैं यहाँ जिमाऊँगा, एक भोज अपनी तरफ से दूंगा और इनका कोटि कोटि धन्यवाद करने के लिए मैंने 27 तारीख का एक प्रोग्राम यहाँ चंदावली में रखा है। लगभग कितने जो लोगों के यहाँ पहुँचने की आशंका आप लगा रहे हैं? देखिए, ये तो मेरे समाज पे निर्भर करता है, मेरे माता बहन बुजुर्ग। जिस प्रकार से चुनाव में मैंने सबको बुलाया था और अपना दुखड़ा रोया था, आज उसी प्रकार से मैं सबको खाने के लिए निमंत्रण दूंगा, सबको बुलाऊंगा। तो मैं समझता हूँ कि 50,000 से ज़्यादा लोगों को, वैसे मेरी तरफ से कोई लिमिट नहीं है, चाहे लाख हो चाहे 1.5 लाख हो, मैं प्रिथला के हर व्यक्ति को यहाँ बुलाकर उसकी सेवा करना चाहता हूँ, उसको जमाना चाहता हूँ। तो संख्या 50,000 से ऊपर होगी, आगे कितनी होगी इसे परमात्मा जानते हैं। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि आगामी 27 तारीख को भगवान रूपी जनता को अपने हाथों से वो भोज करवाएंगे। साथ ही उन्होंने पंचायती चुनाव को लेकर भी बयान दिया और कहा कि कोरोना पंचायत चुनाव में देरी होने के कारणों से गांव में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है, इसको लेकर भी अब गांव में अभियान चलाया जाएगा और गाँव को स्वच्छ बनाया जाएगा। बातें नहीं है, और विकास की जो रूपरेखा है वो ऑलरेडी मैंने अपने सरदारों के साथ अपने समर्थकों के साथ बना ली है। बहुत जल्दी प्रिथला की सड़कें, प्रिथला के गांवों के जो सफाई व्यवस्था है वो, क्योंकि पंचायत चुनाव न होने के कारण गांवों की व्यवस्था अभी जो ना चरमराई हुई है उसमें साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं है। बहुत सारी सड़कें नई हमने बनानी शुरू कर दी हैं, कुछ बनकर तैयार हो गई हैं और जो PWD की मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें हैं वो भी बनकर के बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगी। तो जो विकास कार्य हैं, विकास के कार्यों के लिए मेरी सरकार और मैं पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूँ, लेकिन मैं एक सेवादार के नाते, इनके चौकीदार के नाते मैं इस परमात्मा रूपी जनता को यहाँ बुलाकर एक भोजन की व्यवस्था करना चाहता हूँ, जो मैं इनको 27 तारीख को दूंगा। धन्यवाद भोजन कैसा है जी? बिल्कुल, इनका धन्यवाद भी करूँगा, इनको भोजन भी दूंगा और परमात्मा के नाम में भी इनको शामिल करूँगा। ये 26 तारीख को सुबह अखंड रामायण और सुंदरकांड का पाठ होगा और 27 तारीख को सुबह, क्योंकि वो 24 घंटे चलता है, 27 तारीख को सुबह माताजी की चौकी है माँ शेरा वाली की, और माँ की चौकी के बाद इनका भोजन शुरू 11 बजे हो जाएगा। 9 से 11 चौकी रखी गई है और 11 बजे इनको भोजन शुरू हो जाएगा, जो सारा दिन भोजन चलेगा। मैं अपनी इस परमात्मा रूपी जनता से एक ही अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस जनता का सेवक हूँ और अपने आप में MLA न मानकर मैं इनका एक छोटा बालक भी हूँ, तो इस व्यवस्था को संभालने में मेरा सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा जितना व्यक्ति आ सकता है, जितना मेरा परमात्मा के रूप आ सकते हैं, उन सबको बुलाएं और यहाँ उनको भोजन कराने में मेरी मदद करें। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रिथला विधानसभा की टूटी हुई सड़कों को भी जल्द ही तैयार करवा दिया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और उन्हीं के दिशा निर्देशों पर गाँव को शहरों की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।